आपका चैनल और आज हम लोग अपने रेगुलर सीक्वेंस में मिलते आ रहे हैं सॉल्यूशन के चैप्टर में। और सॉल्यूशन के चैप्टर का जो अब जो आज का टॉपिक है हमारा, जिस जो हमने कल आपसे मेंशन किया था, वो टॉपिक हमारा होगा वेपर प्रेशर और रॉल्स लॉ में। वेपर प्रेशर और रॉल्स लॉ को डिस्कस करने वाले हैं, बट फिर आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कल जो हमने आपसे एक प्रॉब्लम दिया था, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज भी देने वाले हैं, और वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम डिस्कशन लेक्चर के लास्ट में देने वाले हैं। क्योंकि अभी वेपर प्रेशर स्टार्ट करते हैं, और फिर आपका तब तक कमेंट भी आना चाहिए कि क्या आपने ये प्रॉब्लम को देखा है, एक बार कम से कम एक बार देखा, उस पर प्रैक्टिस करना चाहिए, उसको सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए, तभी तो उसमें बेनिफिट मिलेगा। अगर प्रॉब्लम आप सिर्फ देख लिए हो या देखे भी नहीं, तब तो उसके सॉल्यूशन से ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता। हर प्रॉब्लम का एक आपके पास मेथडोलॉजी होना चाहिए कि प्रॉब्लम किस तरह से आप करोगे। प्रॉब्लम करने के पीछे यही वजह होती है कि जब प्रॉब्लम आप देखते हो और उस प्रॉब्लम में आप अपनी दिमाग एक बार लगाते हो, और फिर जब उसकी सॉल्यूशन आती है तो बिल्कुल पूरी तरह से ब्रेन में फिट हो जाती है, फिर वो मेमोरी में हमेशा के लिए बरकरार हो जाता है, रिटेन हो जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अब अभी हम वेपर प्रेशर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि वेपर प्रेशर क्या होती है, व्हाट डू मीन बाय वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर को जानने में आपको हम ये समझाने वाले हैं कि वेपर के नाम से आप फुली फेमिलियर हो, आई थिंक, गैस और वेपर, है ना। वेपर फेज और गैस को हम कंपेयर करते हैं, दैट इज रिजेंबल टर्म्स, है ना। तो वेपर फेज में हम क्या देखने वाले हैं, वेपर फेज का कंसेप्ट कहाँ से आता है कि आपने वर्ड सुना होगा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन है हमारे साथ। इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है कि लिक्विड हमारा वेपराइज होता है। लिक्विड जो अपने मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो लिक्विड अगर कहीं पर है तो वो टेम्परेचर का एक फैक्टर होता है, और टेम्परेचर के साथ वो वेपराइजेशन उसका स्टार्ट होता है। तो इवेपोरेशन होती रहती है, और उसके साथ साथ कंडेंसेशन भी होता है ना। तो इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन दोनों हमारे साथ होता है। तो जो कंडेंसेशन और इवेपोरेशन के साथ हमारा जो रिलेशन होता है, वो एक इक्विलिब्रियम टर्म होता है। जो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर में देखा, वहाँ पर इक्विलिब्रियम में हम देखते हैं कि रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ इवेपोरेशन, वो दोनों हमारा जब इक्विलिब्रियम में आता है तो वो हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम का पार्ट होता है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं, बट इससे पहले आपको ये समझाने वाले हैं कि वेपर प्रेशर के बारे में आप इसको समझो। और हम जो अभी डिस्कस करने जा रहे हैं वो वेपर प्रेशर किसके किसी बीच में, वेपर प्रेशर का जो कंसेप्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। कि अभी तक हम लोग जो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन में देखा, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्कस करते हैं, है ना। सॉलिड इन लिक्विड जो होता है हमारा, सॉलिड इन लिक्विड ये हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट होता है, ठीक है। और जो लिक्विड इन गैस होता है, लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन, तो ये हम इसमें देखते हैं लिक्विड इन गैस का जो रिलेशन है, ये हम हेनरी लॉ से डिस्कस करते हैं। हेनरी लॉ है हमारे पास, हेनरी लॉ में हम लिक्विड जो गैस में डिजॉल्व होते हैं, है ना, उसका हम सॉलिबिलिटी और गैस देखते हैं। हेनरी लॉ बेसिकली हमारा सॉलिबिलिटी एंड गैस प्रेशर, है ना, जो गैस डिजॉल्व रहता है, है ना, सॉलिबिलिटी एंड गैस प्रेशर के रिलेशन से हम लोग हेनरी लॉ को डिस्कस करते हैं। बट यहाँ पर जो मेन मोटो है हमारा, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन एंड लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन, मेरा अभी जो डिस्कस करने का है, जैसे रॉल्स लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन को कंफर्म करते हैं। लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, लाइक दिस, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन हम लोग देखना चाह रहे हैं। लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन ये हमारा एक टॉपिक है, और फिर ये रॉल्स लॉ है, फिर सॉलिड इन लिक्विड से वहाँ पर हम डिस्कस करते हैं इसको। तो ये दोनों हमारा जो डिस्कशन होने वाली है, रॉल्स लॉ, इस पर डिस्कशन हम करते हैं कि इसके साथ जो लिक्विड सॉल्यूशन हम बनाते हैं, तो सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होती है, सॉल्वेंट का क्या कंसेप्ट है, सॉलिड और सॉल्वेंट का क्या कंसेप्ट है, वो हम डिस्कस करते हैं। बट यहाँ पर जो हमने ये एनालिसिस दिखा आपसे, इसका मतलब ये है कि जो हेनरी लॉ का कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को हम देखेंगे, और फिर रॉल्स लॉ एंड वेपर प्रेशर इसको डिस्कस करने वाले हम हैं। तो इसके साथ ही वेपर प्रेशर को स्टार्ट करते हैं। वेपर प्रेशर में आप यहाँ देखो कि जो हमने यहाँ पर लिखा कि प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड व्हेन द वेपर्स आर इन डायनेमिक मीडियम विद इट्स लिक्विड एट ए टेम्परेचर नोन एज वेपर प्रेशर। तो ये वेपर प्रेशर का कंसेप्ट जो हमारे साथ है, इसमें हम देखने वाले हैं कि क्या होता है जब हम लिक्विड मिक्सअप करते हैं, मिक्सिंग होती है, है ना। तो और लिक्विड क्या होता है, प्रेशर बनाता है। एक प्रेशर मतलब वेपर का प्रेशर, लिक्विड जब इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होने का मतलब क्या हुआ, कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं लिक्विड को छोड़ करके अपने फेज को चेंज करता है, गैसेस फेज में आता है ना। जब गैसेस फेज में आते हैं वो, तो गैसेस फेज में आने का मतलब क्या, वो वेपर में कन्वर्ट हो गया हमारा। जब वेपर में कन्वर्ट हो गया तो वो आप एक प्रेशर एग्जर्ट करता है। वो प्रेशर एग्जर्ट करता है किसके ऊपर, लिक्विड के सरफेस पे। जस्ट लाइक यू सी लाइक दिस, अगर ये कंटेनर सपोज करो एक क्लोज कंटेनर है आपके पास, लाइक योर दिस इज योर क्लोज कंटेनर, ये है। इसमें अगर एक ही तरह का लिक्विड है, सपोज करो एक तरह का लिक्विड है इसमें आपका, है ना, एक तरह का लिक्विड है, ये आपका एक तरह का लिक्विड इसमें पड़ा है, सपोज करो।
तो ये लिक्विड जो है ये क्या हो गया, इवेपोरेट हो गए, है ना, ये इवेपोरेशन होगा। कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हम वो भी देखते हैं कि वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं ना, उसमें टेम्परेचर का भी एक मेजर रोल होता है। टेम्परेचर होता है, फिर वो लिक्विड या सब्सटेंस जिस तरह का बना होता है उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, मोर एंड मोर वेपर प्रेशर। तो यहाँ पर एक सैचुरेटेड वर्ड भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सैचुरेटेड वेपर, है ना, सैचुरेटेड वेपर, सैचुरेटेड वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सैचुरेटेड का मतलब आप जानते होंगे, है ना, सैचुरेशन का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम लिमिट को जो कैच कर लेता है, मैक्सिमम लिमिट से हमारा इसका फोकसिंग होती है सैचुरेटेड वर्ड। तो सैचुरेटेड वर्ड जो उसमें दैट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम, यही डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात होती है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ओके, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात हम इसलिए करते हैं कि वेपर जो है आपका, वेपर और लिक्विड, लिक्विड वेपर कन्वर्ट होता है, जो वेपर यहाँ से बन के ऊपर आता है, फिर वो लिक्विड के टर्न कन्वर्ट करके नीचे की ओर आती है। दैट मीन रेट ऑफ क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन और सिमिलरली में रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो ये डायनेमिक, ये इक्विलिब्रियम पार्ट, ये हम इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं उससे डिस्कस होती है। बट यहाँ पर आप देखो कि अगर इसमें लिक्विड भरा हुआ है तो इसके पार्टिकल्स जो वेपर फेज में उठ जाते हैं ऊपर की ओर, ये वेपर फेज में चला गया और ये जो वेपर फेज होगा ये इस पर प्रेशर डालता है, तो लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर, ये चीज कहा जाता है प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड। इसी लिक्विड का वेपर है, किसका वेपर है, इस लिक्विड का वेपर है, है ना, प्रेशर वेपर्स ऑफ द लिक्विड, इस लिक्विड का वेपर है। और जो कि वेपर ये ऊपर ऊपर आने के बाद क्या होता है कि इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम रहते हैं वो, है ना, डायनेमिक इक्विलिब्रियम रहने का मतलब एट ए टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर पर। तो ये जो इस पर प्रेशर एग्जर्ट करता है ना, वो प्रेशर हमारा वेपर प्रेशर का रूप लेता है। तो यहाँ पर क्या है कि एक लिक्विड को हमने इसमें डाला है और एक ही लिक्विड को इसमें डालने का मतलब ये हुआ। अब क्या करते हैं हम, जो मिक्सिंग होता है, जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं, उसमें हमारे पास अगर हम ये आप कॉपी कर लो, प्लीज आपने एक चीज़ मैं पहले से कहते आया हूँ आपसे कि प्लीज जो भी आपको कर रहे हो, जो भी हम कर रहे हैं उसको नोट्स के सहारे लेते जाओ और यहाँ पर कॉपी करते जाओ आप, जो कि ऑनगोइंग लेक्चर होता है हमारा, इसके साथ जैसे कि अभी हमने थोड़ा सा रुका, तो थोड़ा सा रुकने के बाद आप इसको कॉपी कर लो, इसको आपने कॉपी करना है, या फिर जब वीडियो आपके पास होंगे तो उसको आप क्या करो, उसको पॉज करो, पॉज करने के बाद रुक के देख लो, फिर आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसको फोकस करना। यहाँ पर जब प्योर स्टेट में लिक्विड है हमारा, सिंगल वन लिक्विड है हमारे पास, तो उसका हमने वेपर प्रेशर का एनालिसिस किया कि प्रेशर क्या होती है इसका। ये जो वेपर होते हैं हमारे, ये वेपर फेज में आते हैं, ये वेपर्स होते हैं हमारे, यही वेपर्स होते हैं, ये वेपर्स जितने ज़्यादा बनेंगे उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर इस पर एग्जर्टेड होगा। तो इसको रब करके हम आगे फिर आगे इसको एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ हम अब जो देखने वाले हैं, अभी एक लिक्विड का हमने देखा, अब जब सब सॉल्यूशन का बनाते हैं तो सॉल्यूशन क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड्स, है ना, बाइनरी सॉल्यूशन है तो टू लिक्विड्स आपके साथ है, मोर देन वन सॉल्यूट वाले हम बाइनरी से ऊपर भी जा सकते हैं, टर्नरी पार्टी वाली भी है। वहाँ पर हम क्या देखते हैं, अगर टू टाइप्स का लिक्विड आपके साथ है, सपोज दिस इज व्हाइट कलर इज योर वन लिक्विड एंड इट इज मिक्सड विथ अदर कलर लिक्विड, अदर लिक्विड लाइक दिस, अगर हम इसको हमने सपोज करो ये अदर टाइप ऑफ लिक्विड आ गया, इसमें ये अदर टाइप ऑफ लिक्विड इसमें मिक्स कर दिए, अब ये दो लिक्विड हमारे सामने हो गए, दोनों का मिक्सर कर दिया, मिक्सिंग अप कर दिया, बिकॉज यू नो इट वेरी वेल कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इज अ मिक्सर, है ना, होमोजेनियस मिक्सर ऑफ टू सब्सटेंस टू लिक्विड्स। तो ये मिक्सिंग अप हो गया, अभी सॉल्यूशन हो गया, दैट इज लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, ये हमारा क्या है, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड। यहां पर अब वेपर का, वेपर मॉलिक्यूल्स, यहां पर वेपर मॉलिक्यूल्स आएंगे, वेपर मॉलिक्यूल्स, ये वेपर मॉलिक्यूल्स है ना, तो व्हाइट कलर वाले हमारे वेपर मॉलिक्यूल्स हो गए, फिर जो ऑरेंज हैं यहाँ पर उसके भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं इसमें। तो इसमें सपोज करते हैं कि लिक्विड नंबर वन, लिक्विड नंबर वन और लिक्विड नंबर टू करते हैं ना, वन एंड टू, है ना, लिक्विड नंबर वन, लिक्विड नंबर वन लिक्विड नंबर टू, ये लिक्विड नंबर वन और लिक्विड नंबर टू को हमने मिक्सअप किया यहाँ पर, और उसको हम यहाँ पर इसका वेपर प्रेशर के बारे में ऑब्जर्वेशन होता है। तो अब ये कंडीशन है कि वेपर प्रेशर आपने समझ लिया, वेपर प्रेशर के बाद हम रॉड्स लॉ को ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर क्या कंडीशन है कि जो आप ये वेपर्स जो दोनों के साथ आए हैं, दोनों का वेपर्स है यहाँ पर, दोनों के वेपर मॉलिक्यूल्स हैं इसमें, है ना, तो दोनों के वेपर मॉलिक्यूल्स अगर हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो टोटल प्रेशर पर रॉड्स लॉ ने क्या कहा था, रॉड्स लॉ ये कहा था कि ये जो वेपर प्रेशर होगा वो कितना होगा और कैसे होगा, है ना, कितना और कैसे, दोनों चीज, दैट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, बोथ आर डिस्कस्ड इन योर रॉड्स लॉ। यहाँ पर जो प्रेशर लिक्विड नंबर वन का, अब इसमें प्रेशर क्या देखेंगे, इसमें पी वन जो देखेंगे हम, पी वन इज व्हाट इज पी वन, पी वन इज
द प्रेशर ऑफ लिक्विड नंबर वन, पी टू इज प्रेशर ऑफ लिक्विड नंबर टू। तो यहाँ पर नंबर वन और नंबर टू, तो दैट प्रेशर, व्हाट इज दिस, दिस प्रेशर, दिस यही प्रेशर हमारा क्या होता है, वेपर प्रेशर का नाम देता है। ये पी वन एंड पी टू जो है प्रेशर्स हुए, और यही हमारा पी वन पी टू जो है वेपर प्रेशर के रूप में पार्शियल है। अब इसको हम क्या नाम देंगे, इसको नाम देने वाले हैं पी वन इज योर पार्शियल प्रेशर, पी वन इज योर पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड वन। सिमिलर वे में P2 क्या होगा हमारा, P2 इज द पार्शियल वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड टू। तो ये दोनों का वेपर प्रेशर यहाँ पर एक्युमुलेट होगा, और टोटल वेपर प्रेशर, टोटल प्रेशर के बारे में जो वेपर प्रेशर की बात होती है वो रॉड्सवर इसको एनालिसिस करता है कि कितना होने वाला है। यहाँ हम ये चीज देखने वाले हैं कि जो लिक्विड का ये P1 और P2 का कंसेप्ट है हमारा, P1 इज द पार्शियल वेपर प्रेशर, P1 पार्शियल वेपर वेपर प्रेशर, तो अभी P1 क्या है हमारा, लिक्विड नंबर वन लिक्विड नंबर टू का है। तो लिक्विड नंबर वन लिक्विड नंबर टू दोनों में हम क्या देखते हैं कि दोनों अपने प्रेशर एग्जर्ट करता है, तो वो प्रेशर जो टोटल वेपर प्रेशर अगर होगा, इसमें टोटल प्रेशर की बात अगर करें तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा हमारा, टोटल प्रेशर जो होगा उसको हम पी से मानते हैं, पी इंडिकेट करते हैं, तो पी इज इक्वल टू, पी इज इक्वल टू P1 प्लस P2। तो जब P इज टू P1 प्लस P2 हो गए, तो ये टोटल प्रेशर हो गया हमारा, ये हमारा टोटल प्रेशर हो गया, टोटल प्रेशर वहाँ पहले से निकल करते हैं, और ये पार्शियल प्रेशर, ये हो गया पार्शियल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर हो गया ये, और यहाँ पर पार्शियल वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर P1, लिक्विड नंबर वन भी P1 आ गया, और ये हो गया पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल PVP, like this is PVP, partial vapor pressure of liquid number 2, ये बोलो। तो ये पार्शियल प्रेशर, अब ये पार्शियल वेपर प्रेशर का जो कंसेप्ट है, यही पार्शियल प्रेशर को रॉल्स साहब ने कहा था, रॉल्स ने इसको इस तरह से कहा कि ये पार्शियल प्रेशर, रॉल्स लॉ बेसिकली क्या होता है, रॉल्स लॉ इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वेपर प्रेशर का रिलेशन मोल्स, जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे उस नंबर ऑफ मोल्स के, या मोल फ्रैक्शन यू कैन से लाइक इट राइटली, राइट वर्ड होगा मोल फ्रैक्शन, है ना। तो वो मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर का जो रिलेशन होता है वो हमको रॉड्स लॉ बताता है कि ये कितने टोटल वेपर प्रेशर जो होंगे वो तो किसे और कितने होंगे, है ना। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो इसको डिस्कस कर रहे हैं कि रॉड्स लॉ को, आखिर रॉड्स लॉ में क्या है, ये जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो कहता है वो P1, दैट इज P1 इज इक्वल टू, जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो P1 इज इक्वल टू P1 naught इंटू X1, है ना। ओके, और P2 जो होगा हमारा वो उसके बारे में कह रहा है कि P2 naught इंटू X2। अब ये सारा एक्सप्लेन किया हुआ, इसको एक्सप्लेन करने वाले हमें कि ये P1 naught क्या होता है, वट इज P1 naught, और P1 naught का क्या कंसेप्ट है, P2 naught का क्या कंसेप्ट है, ये अभी हम इसको जस्ट रब करके फिर बताते हैं आपको कि। तो जो पार्शियल प्रेशर के बारे में कहा गया कि P1 equals to P1 naught X1, P2 is equal to P2 naught X2। यहाँ पर X1 क्या है हमारा, जो अच्छा P1 naught का क्या मतलब होता है, P1 naught is what is this, P1 naught is very important term, P1 naught, so no P1 naught, है ना, P1 naught को आपको, so P1 naught क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ, वेपर प्रेशर ऑफ प्योरली लिक्विड, प्योरली लिक्विड नंबर वन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योरली लिक्विड नंबर वन एट अ गिवन टेम्परेचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एट ए गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर को आपको मेंशन करना ही करना है, टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर कि जो भी फेनोमेना हमारे साथ होंगे उसमें टेम्परेचर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वेपर प्रेशर जो है टेम्परेचर से डिपेंड करता है, ठीक है, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को आपको मेंशन करने की जरूरत है। सिमिलर वे में अगर P2 naught को हम देखें तो P2 naught क्या होगा हमारा, P2 naught हमारा होगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योरली लिक्विड नंबर टू एट
टेम्परेचर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि पी वन नॉट और पी टू नॉट का कंसेप्ट यही है हमारा कि जो प्योरली लिक्विड, अब यहाँ पर एक वर्ड आया प्योरली लिक्विड को आप कैसे मेंशन करोगे, प्योरली लिक्विड का मतलब क्या हुआ? तो प्योरली लिक्विड आप ऐसे समझ लो कि प्योरली लिक्विड का मतलब क्या हुआ कि जब उसमें कोई दूसरा सब्सटेंस नहीं मिला हुआ है ना, ओनली पी वन इज देयर है ना, ओनली पी वन एक लिक्विड जो है हमारा, सिर्फ अगर पी वन हमारे साथ में है। तो आप समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि प्योरली लिक्विड का मतलब क्या हुआ? प्योरली लिक्विड का मतलब यही हुआ कि जब वो कंटेनर में ओनली हमारा सिंगल एक लिक्विड पड़ा हुआ है, वन नंबर ऑफ लिक्विड रखा हुआ है, उस केस में जो हमारे पास वेपर का प्रेशर होगा, दैट इज जो प्योरली सॉल्यूशन प्योरली लिक्विड हो गया हमारा, वन सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस है। ऑब्वियस है कि जब उस सब्सटेंस में कोई दूसरा चीज को हम मिलाएंगे, मिक्सअप करेंगे, तो क्या होगा? जो वेपर का प्रेशर है वो प्रेशर रिड्यूस होगा, उसका जो अपना जो अपना उसका पार्ट होगा वो कम हो जाएगा रूप से। तो वो एक तरह से आप पार्सल जो रॉल्स लॉ में हमने कहा, ये रॉल्स लॉ की बॉडी आ रही है, बाय रॉल्स लॉ ये जो क्वेश्चन आता है हमारा, यही होता है बाय रॉल्स लॉ, है ना, बाय रॉल्स लॉ, इसी को रॉड्स लॉ बोलते हैं लोग, है ना, ये रॉड्स लॉ होता है हमारा। तो रॉड्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहा, एट ए गिवन टेम्परेचर, है ना, तो जो ये मेंशन किया हुआ है एट ए गिवन टेम्परेचर पार्शियल प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड ऑन इट्स सरफेस, जो उस लिक्विड का वेपर का प्रेशर होता है उस लिक्विड के सर्फेस में, वो प्रोपोर्शनल होता है उसके नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन, जो मोल फ्रैक्शन होगा हमारा मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। तो जब प्रोपोर्शनलिटी हम हटाते हैं तो इक्वालिटी साइन देने में हमारा ये पी वन नॉट टर्म इन्वॉल्व होता है ना। आप समझो हम क्या बोल रहे हैं, लाइक दिस, है ना, आपको समझना है कि क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, दैट इज रॉड्स लॉ। रॉड्स लॉ इज नथिंग बट सिंपली इट इज द रिलेशन बिटवीन, हम एक लाइन हम डाल देते हैं, ओके। तो रॉड्स लॉ के बारे में कहा जाता है, रॉड्स लॉ जो है हमारा वो Rawls law gives the relation between partial vapor pressure, to the mole fraction, of solute and solvent. और सॉल्यूट और सॉल्वेंट कहने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट से हमारा वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट मिला के हमको एक बाइनरी सॉल्यूशन मिलाते हैं। अगर बाइनरी सॉल्यूशन कंसेप्ट हम देख रहे हैं, लिक्विड सॉल्यूशन कंसेप्ट में हम लोग चल रहे हैं, तो ये बाइनरी सॉल्यूशन कंसेप्ट में आया। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हम मोल फ्रैक्शन, मतलब क्या होगी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हम मेजर रोल में मेजोरिटी ऑफ अमाउंट में होते हैं हमारे, मेजोरिटी ऑफ अमाउंट जो होता है सॉल्वेंट का होता है, और माइनॉरिटी में जो होते हैं वो हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं। सो दिस इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जो रॉल्स लॉ कहता है, तो सॉलिड और सॉल्वेंट की अगर बात करें तो पी वन, अगर पार्शियल वेपर प्रेशर हमने पी वन के लिए लिया, तो पी वन इज प्रोपोर्शनल टू एक्स वन, सिंपल। और एक्स वन एक्स टू क्या था, एक्स वन जो अभी जस्ट हमने कंसेंट्रेशन टर्म्स में किया था, इसीलिए कंसेंट्रेशन टर्म्स इंपॉर्टेंट था कि वहाँ पर हमने एक्स वन बताया था कि एक्स वन क्या था, वहाँ पर एक्स वन क्या था हमारा, एक्स वन इज योर मोल फ्रैक्शन, एक्स वन इज योर मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड नंबर वन। और सिमिलर वे में जब x2 का करेंगे तो x2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड नंबर 2। तो ये चीज कहा गया कि ये p1 जो है प्रोपोर्शनल टू x1 होगा, सिमिलर वे में p2 इज प्रोपोर्शनल टू x2। तो x2 हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड नंबर 2। अब इसको जब हम दोनों से इससे जब कन्वर्ट करते हैं इसको हम, इससे क्या हो रही है हमारी, p1 इज इक्वल टू, यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट टर्म आ रहा है हमारा जो आ रहा है वही p1 नॉट x1, और यहाँ से हमने रिलेशन दिया p2 इक्वल्स टू p2 नॉट इंटू x2। ये दोनों इंपॉर्टेंट, यही रॉड्स लॉ ने कहा था, और रॉड्स लॉ कुछ स्पेशल चीज़ नहीं है, ये फिजिकल सिग्निफिकेंस, ये फिजिकल जो आप इवेल्युएट ऑब्जर्व कर सकते हो इसको, यही अगर सॉल्यूशन है हमारा, तो सॉल्यूशन में जो एक का जो पार्शियल प्रेशर होगा, दूसरे का जो पार्शियल प्रेशर होगा, उन दोनों का पार्शियल प्रेशर का जो है कंसेंट्रेशन टर्म्स, ये कंसेंट्रेशन टर्म्स मोल फ्रैक्शन से रिलेशन होगा, नंबर ऑफ मोल्स जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा उसका प्रेशर होगा। तो ये तो सिंपल है, बट रॉल्स लॉ इसके बारे में एक लॉ दिया जिसको हम लोग रॉल्स लॉ के नाम रूप में जानते हैं, और फिर हम इसको एक ग्राफ के रूप में इसको आप बता दें कि ये पी1 और x1 किस तरह से आपस में कोरिलेट होता है। तो जस्ट एक ग्राफ प्लॉट करता हूं मैं। तो यहां हम एक चीज बताने वाले हैं कि ये जो पार्शियल प्रेशर का रॉल्स लॉ का रिलेशन है, रॉड्स लॉ ने P1 and P2 को ऑब्जर्व किया। What is the meaning of P1 P2? You know it very well. अभी डिस्कस किया हमने P1 और P2 को पार्शियल वेपर प्रेशर P1 और P2 को डिस्कस किया रॉड्स लॉ के अकॉर्डिंग, और
इसका जो इंपॉर्टेंस है पार्सल के, पार्सल के सर नाम जो पड़ा वो डाल्टन्स के अकॉर्डिंग है ना, तो डाल्टन्स पार्सल लॉ, डाल्टन्स ने क्या कहा था, डाल्टन्स का प्रिंसिपल क्या था है ना, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्सल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्सल प्रेशर जो टोटल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्सल प्रेशर जो होगा वो क्या था हमारा टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू, ये जो है ये हमारा डाल्टन्स लॉ का प्रपोज करता है, डाल्टन्स लॉ इसके अकॉर्डिंग, तो तभी जब कि हमारा टोटल भाग का प्रेशर जो है पी वन और पी टू के सम अप करने से आएगा तो उसको उन्होंने जो कहा कि देन इट इज दिस इज दीज आर द पार्सल वेपर प्रेशर। अब हम इसको देखें कि ये P1 P2 P1 P2 में प्रेशर जो होगा, टोटल प्रेशर जो होगा वो हमारा P इज इक्वल टू, टोटल प्रेशर आपने क्या कहा, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P1 प्लस P2, ये हमारा पार्सल प्रेशर का, तो ये दोनों पार्सल प्रेशर हो गए। तो अब P1 और P2 का क्या कंसेप्ट, टोटल P जो P हमारा है इसको अगर हम P1 लिखें तो P1 का क्या पार्सल, P1 क्या था रॉल्स लॉ में, P1 बराबर क्या था हमारा P1 नॉट, और प्रेशर में क्या था रॉल्स लॉ में P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इनटू X1, और P2 इज इक्वल टू P2 नॉट इंटू X2। अब इस दोनों को हम यहाँ पर रखने वाले हैं कि ये P1 नॉट, P1 की जगह पर आ गया P1 नॉट X1 प्लस P2 की जगह पर आ गया P2 नॉट X2। ये अब X1 X2 का भी रिलेशन को पता है कि X1 X2 क्या होता है, X1 X2 जो मोर फ्रैक्शंस होते हैं, चूंकि वो फ्रैक्शन होता है आउट ऑफ वन उसको लिया जाता है, सो X1 प्लस X2 इज इक्वल टू X1 प्लस X2 बराबर क्या होता है हमारा वन होता है। तो अगर हमको जब x1 को देखना होगा तो x1 के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये x1 बराबर अगर करना होगा तो 1 माइनस x2 कर सकते हैं, ये हो गया प्रॉब्लम सॉल्यूशन हमारा कि अगर x1 लेना होगा तो 1 माइनस x2 करेंगे, x2 लेना होगा तो 1 माइनस x1 कर देंगे, सो दैट द सम ऑफ दोज टू आर 1। ओके दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि p1 x1 ये हमारे पास आ गया, और इसको अगर हम और इलेबरेट करें यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, चलिए ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं हमें जो वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के टर्म में ग्राफ होगा, तो वो किस तरह से देखते हैं, एक्चुअली यहाँ पर ये देखना है आपको कि उस ग्राफ का क्या कंसेप्ट लूँ है, यहाँ पर P1 नॉट और X1, यहाँ पर जो अगर P1 नॉट X1 की बात, यहाँ पर जो ग्राफ हम लेंगे वो एक ग्राफ ऊपर हमारा ऊपर जो है वेपर प्रेशर का आ जाएगा, ये वेपर प्रेशर का ग्राफ होगा और ये हमारा मोल फ्रैक्शन होगा, ये हमारा जो मोल फ्रैक्शन का ग्राफ आएगा, तो यही दोनों के बीच में जो रिलेशन आती है ये रिलेशन हमारा रॉस लॉ बताता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम एक डिस्कस करेंगे ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, अगर ये हमारा इक्वेशन आ रहा है, ये हमारा इक्वेशन आ गया सपोज करो सॉल्यूशन के टोटल प्रेशर के लिए, ये टोटल प्रेशर का इक्वेशन आ गया, इसलिए ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, ग्राफ प्लॉट करने में हम दोनों का रिलेशन देखने वाले हैं कि जो सॉल्यूट नंबर यानी लिक्विड नंबर वन है लिक्विड नंबर टू है उनका पार्सल प्रेशर का ग्राफ किस तरह से प्लॉट होता है नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंग, ओके, एंड टोटल प्रेशर जो होगा लिक्विड पे वो जो है वो फिर सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग किस तरह से हैंडल होगा वो दोनों को हम प्लॉट करने वाले हैं। ये पी बराबर पी वन प्लस पी टू, अब यहाँ पर हो गया हमारा पी वन नॉट एक्स वन प्लस पी टू नॉट एक्स टू, और इसका जो ग्राफ, अब इसका ग्राफ और इसका ग्राफ ये देखो पी वन नॉट एक्स वन पी टू नॉट एक्स टू, तो ये अगर हम सपोज कि वाई एक्सिस, यही हमने अभी आपको बताया अगर वाई एक्सिस पे कोई चीज चाहता है ये एक्स एक्सिस होती है हमारा वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस होती है, तो ये एक इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का आता है, अगर वाई सीधा सीधा वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आपने सीखा होगा वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आता है ना, या वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसके अकॉर्डिंग हम देखें कि सी को अगर जीरो कर दें यहाँ पर तो जो ये मोल फ्रैक्शन एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन लिया एक्स एक्सिस पे और ये एम हमारा क्या होगा उसका स्लोप होता है, स्लोप का मतलब कि जो भी स्लोप बनता है टेन थीटा ये एम सी डिनोट होता है, टेन थीटा वो एम सी डिनोट होता है, तो ये स्लोप और इसको लेकर के हम इस ग्राफ को फर्स्ट ग्राफ का प्लॉट हो सकता है, इसका सेकंड का दूसरा, फिर उसी तरह से उसके लिए क्या होगा वाई हमारा पी वन पी टू के टर्म में आएगा, ओके, और यहाँ पर पी वन नॉट पी वन नॉट पी टू नॉट जो होगा स्लोप निर्धारित करेगा और एक्स वन एक्स टू जो है एक्स का वैल्यू निर्धारित करेगा, तो इसके अकॉर्डिंग जस्ट ये ग्राफ आपको देखना है और उस ग्राफ में हम ये देखने वाले हैं कि किस तरह से हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करने का मतलब ये हो रहा है कि अगर आप यहाँ से देखो तो क्या आ रहा है कि पी वन नॉट एक्स वन को ले लो वन माइनस एक्स टू प्लस पी टू नॉट एक्स टू, और दिस इज सिंपली ये क्या हो गया हमारा, ये पी वन नॉट सेपरेट कर सकते हैं हम तो पी वन नॉट हो जाएगा ये और ये उधर चला जाएगा, तो एक्स टू अगर यहाँ पर है तो पी टू माइनस पी वन, यहाँ पर प्लस क्या आ गया पी टू नॉट माइनस पी वन नॉट इंटू एक्स टू, तो यहाँ पर सीधे सीधे हम ये देख रहे हैं कि x2 से रिलेशन ले रहे हैं, x2 को पार्ट ले रहे हैं और ये p ले रहे हैं, तो यहाँ पर p1 p0 ये सभी को कांस्टेंट कर सकते हैं और ये x2 से रिलेशन को ऑब्जर्व करने वाले हैं, तो अब ये पॉइंट आ रहा है कि ये टोटल प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है और ये जो पार्सल वेपर प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है ये दोनों अपना एक एक इक्वेशन बना के एक ग्राफ देगा और ये टोटल प्रेशर को हम रिपीट करते हैं, तो उस केस में क्या करेंगे हम x2 को 1 कर सकते हैं, x2 को 1 करने से क्या होगा अगर x2 यहाँ 1 हो जाएगा हमारा तो ये p1 नॉट हो जाएगा और p1 नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा तो p इज इक्वल टू p2 नॉट हो जाएगा जब x2 हमारा 1 के कंसेप्ट में आएगा, तो x2 जब 1 हुआ इसका मतलब उस पॉइंट पे हमारा टोटल प्रेशर जो है कितना वेपर प्रेशर आ रहा है p2 नॉट के बराबर, तो जस्ट इसको ऑब्जर्व करके एक ग्राफ यहाँ पर मैं प्लॉट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ हम इसको जो प्लॉट हमने ग्राफ के लिए जो खींचा है कि पी और एक्स टू के बीच में ग्राफ ये टोटल प्रेशर और एक्स टू के रिस्पेक्ट में ग्राफ ये, बट यहाँ पर पी वन और पी टू का भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पी वन एक्स वन है ना, जो टोटल हमारा क्या था पी वन एक्स वन, पी वन जो था हमारा
क्या था पी वन नॉट एक्स वन। इसमें हम क्या देखते हैं यहाँ इस रिलेशन से हमको क्या रिलेशन आ रहा है, क्योंकि पी वन और एक्स वन के गिफ्ट रहा था, एक्स वन को हमने अगर यहाँ पर वन माना, एक्स वन इजर वन, अगर एक्स वन यहाँ वन मान लिया हम लोग तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर एक्स वन ये एक्स वन जो है अगर एक्स वन को हमने वन माना तो ये पी वन एक्स वन का ग्राफ आ गया हमारा। तो ये जो पी वन का एक्स वन ये ग्राफ हमारे पास पी वन का जब एक्स वन और यहाँ पर एक्स टू इक्वल टू जीरो, हम ये क्या देखा एक्स टू इक्वल टू जीरो, अगर यहाँ पर एक्स टू इक्वल टू ओरिजिन को हमने ओरिजिन जीरो किया यहाँ मिच किया एक्स टू इक्वल टू जीरो हुआ तो एक्स टू का वैल्यू जब यहाँ पर मैक्सिमम होगा तो वो वैल्यू पी टू नॉट को रिप्रेजेंट करेगा, वहाँ पर उसका मैक्सिमम वेपर प्रेशर जो होगा वाई एक्सिस पे पी टू नॉट को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर जब एक्स वन हमने मैक्सिमम लिया तो वो हमारा क्या होगा मैक्सिमम पी वन नॉट को रिप्रेजेंट करेगा। इन बिटवीन ये अगर ग्राफ देखो तो ये ग्राफ हमारा पी वन के पी टू के लिए आ गया, ये हमारा पी वन के लिए ग्राफ आया जीरो से लेकर यहाँ तक ये ग्राफ आ गया। अच्छा P1 नॉट और P2 नॉट में हम डिफरेंस ला सकते हैं, जो मोर वोलेटाइल होगा वो एजम्पशन एज्यूम कर सकते हैं, जो मोर वोलेटाइल होगा उसका बाहर से वेपर प्रेशर जो है सो जो प्योरली सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा, उसके लेवल को हम ऊपर नीचे लग सकते हैं। इसको हम P1 में इसमें हम ये मान के चलते हैं कि लिक्विड नंबर वन इज, यहाँ पर क्या होगा लिक्विड नंबर वन इज मोर वोलेटाइल देन लिक्विड नंबर टू, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पर हम ये चीज़ देखने आए कि ये ग्राफ तो हमारा इस तरह से बन गया। अब ये क्या है कि अगर ये टोटल प्रेशर, ये जो P का टोटल इक्वेशन है हमारा, ये इक्वेशन जो है इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो ये हमारा टोटल प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टोटल प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर क्या हुआ अगर इस पॉइंट पर देखें तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ये पी टू का ग्राफ है, ये वैल्यू पी टू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यहाँ से ये एक्स वन का ग्राफ है पी वन का ग्राफ है तो ये पी वन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ से तक। तो अगर इसको हम टोटल को वैल्यू लें तो ये पी वन में अगर प्लस इतना दूर ये दूरी हम पी टू वाले दूरी को अगर इसमें एडिंग अप कर दें, ये ऐड कर दें हम, तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो लेवल हो गया हमारा, ये जो पी वन प्लस पी टू ये पी टोटल रिप्रेजेंट कर रहा है इतनी डिस्टेंस है, यहाँ से ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये टोटल प्रेशर का एक्सप्रेशन है। तो एक्चुअल में ये यही रॉल्स लॉ है हमारा, इसके अकॉर्डिंग रॉल्स लॉ वेपर प्रेशर को हम लोग कंक्लूड करते हैं। फिर इसके बाद जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वहाँ पर, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में रिलेटिव लोडिंग और वेपर प्रेशर, उसमें फिर रॉल्स लॉ को डिफाइन करने वाले, वहाँ पर भी रॉल्स लॉ आएगा आपके। अब हम आपसे ये तो लेक्चर के पहले बोले कि जो प्रॉब्लम हमने दिया था पिछले लेक्चर में वो हम सॉल्व करने वाले हैं, बट इसको अगर फिर हम अगले लेक्चर के लिए प्रोलॉन्ग करते हैं कि अगले लेक्चर में उसको हम सॉल्व करेंगे, है ना। प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब अस।